हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष वर्मा। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। मैंने 2012 में NIT कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर से बीटेक किया और उसके बाद गेट में ऑल इंडिया रैंक 41 लाकर NTPC ज्वाइन किया। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय जॉब मैंने IAS 2013 में 2 रैंक हासिल की और उसके बाद से मैं अभी रेलवेज़ में वर्किंग हूँ। और मैं UPTU में और MTech में दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का पर्पस है, इसमें मैंने एक बुक रिलीज़ की है जो कि SSC JEE मेंस एंड अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। यहाँ इस वीडियो में मैं अपने इस बुक के कुछ सैलियंट फीचर्स को डिस्कस करूँगा ताकि लोगों को ये पता चले कि इस बुक में क्या किस चीज़ पर फोकस किया गया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बुक मेंस और कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स के व्यू पॉइंट में ध्यान में रखकर बनाई गई है और जो इसमें क्वेश्चंस हैं ये सारे हमारे न्यू क्वेश्चंस हैं। ये कोई भी क्वेश्चन ES में या पुराने SSC JEE के पेपर्स से नहीं है। बुक का बनाने का पर्पस ये है कि लोगों के पास अभी जो मार्केट में कोई भी इस तरह की बुक नहीं है जो कि एज अ प्रैक्टिस लोगों के पास अवेलेबल हो। जो SSC JEE मेंस और स्टेट इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हैं, ये इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये बेसिकली हमारे जो ES का एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसी के क्वेश्चंस चेंज करके या मोल्ड करके पूछे जाते हैं। बट कोई भी बुक ऐसी अभी अवेलेबल नहीं है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन हो क्वेश्चंस का सेम पैटर्न पे, सेम ट्रेंड ऑफ नेचर को ध्यान में रखते हुए, जिसमें बच्चों को सफिशिएंट क्वेश्चंस मिलें और वो प्रैक्टिस कर सकें, अपनी जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सकें। इस बुक में जो मैंने सब्जेक्ट्स कवर किए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मैंशन किया है अबाउट द बुक में। इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स को कवर किया है मैंने, सोयल मैकेनिक्स को कवर किया है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग को कवर किया है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को कवर किया है, इरिगेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग एंड रेलवे इंजीनियरिंग। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेरी वॉल्यूम 2 में अवेलेबल होंगे। और इस बुक में जो क्वेश्चन है ये सारे सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं और जो भी सॉल्यूशंस हैं ये बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं और दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान रखा गया है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। और जो टॉपिक्स जो सिलेक्ट किए गए हैं वो पिछले साल के पेपर्स, स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स और SSC JEE में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके टॉपिक्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन फोकस्ड हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने कुछ सैम्पल्स भी दिए हुए हैं। ये बुक का कवर पेज जैसे आप देख रहे हो, ये बुक का कवर पेज यहाँ डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। और इसके बाद जो यहाँ पे मैंने 3-4 चैप्टर्स के कुछ स्नैपशॉट्स लगाए हुए हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे मेरे जो चैप्टर 2 इरीगेशन इंजीनियरिंग का कुछ क्वेश्चन का कंपाइलेशन दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सैम्पल के तौर पे दिए हुए हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं और इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है साथ में। जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ब्रीफ और डिटेल्ड है कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को कैसे अपने पेपर में, अपने सॉल्यूशन में कंसाइज वे में सॉल्यूशन को प्रेजेंट करना है अलॉन्ग विथ फिगर्स, रदर देन राइटिंग टू मच थ्योरी एंड फिलिंग द शीट्स। उसके बाद हमारा जो सैम्पल 2 है वो है हमारा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का चैप्टर 6। इसमें 2-3 क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं, इसमें ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस टाइप दिया हुआ है बुक्स में। ये जस्ट उसका स्नैपशॉट है बुक का, आप देख सकते हो। उसके बाद हमारा जो लास्ट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है रेलवे इंजीनियरिंग का दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और रेलवे के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और प्रॉपर सफिशिएंट क्वेश्चंस इसमें हैं कि जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
एक जगह पर। उसके बाद जो ये बुक है मेरी, ये अभी नोशन प्रेस वेबसाइट की, ये वेबसाइट और इस लिंक पर अवेलेबल है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों और पुराने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुके होंगे, उन्हें इस लिंक पर बुक वो जाकर ले सकते हैं और अपनी जो भी सब्जेक्ट कन्वेंशनल पेपर सॉल्विंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये मेरी भी ये बुक अमेज़न पे भी अवेलेबल है। आप अमेज़न पे सर्च करोगे, ये सर्च करोगे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस बुक SSC JEE मेंस एग्ज़ाम बाई आशीष वर्मा, तो आपको ये बुक अमेज़न पे भी मिल जाएगी सेम कवर पेज के साथ जो मैंने ऊपर यहाँ रिफ्लेक्ट किया हुआ है। और कुछ भी क्वेरी और इस बुक का फीडबैक ज़रूर दें जो इस बुक को पढ़ें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पे मैंने दो अपनी ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं, इस पे आप कोई भी स्टूडेंट मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।